हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो में हमने 5.1 इस प्रैक्टिस सेट को देखा। जैसा आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ लेसन प्रोबेबिलिटी इस को स्टार्ट किया था और हमने देखा था काफ़ी आसान उनके कंसेप्ट थे। 5.1 प्रैक्टिस सेट अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज 5.2 इस प्रैक्टिस सेट को करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर दो सब क्वेश्चन हैं, और दो सब क्वेश्चन क्या है या क्वेश्चन नंबर वन है क्या एग्जैक्टली? क्वेश्चन नंबर वन है कि ये जो क्वेश्चन दिए हैं सब क्वेश्चन वन और टू, इसके हमें सैम्पल स्पेस लिखने और सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सो वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन और एक डाइस को हम लोग साइमल्टेनियसली साथ में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाया था, आप देख सकते हो मेरा पिछला वीडियो, उसमें बताया था कि जब एक कॉइन और एक डाइस को हम लोग जब थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो S इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ करली ब्रैकेट के अंदर, ऐसा हो सकता है कि कॉइन में हेड आए और डाई में क्या है वन, ऐसा भी हो सकता है हेड और क्या है टू, ऐसा भी तो हो सकता है तीन है, फिर उसके बाद डाई में ऐसे टोटल छः नंबर होते हैं, आप जानते ही हो डाई मतलब लूडो की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद है H5 और फिर हेड, फिर सिक्स। जिस तरीके से हेड है फिर उसके अंदर नंबर वन आ रहा है, उसी तरीके से ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आप सिक्के को थ्रो कर रहे हो या टॉस कर रहे हो तो उसमें टेल आए। तो बच्चा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है T,1, फिर T,2, T,3, T,4, T,5 और लास्ट में है T,6। हमने लिख दिए सैंपल स्पेस, अब इसमें देखेंगे कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। एलिमेंट को काउंट करेंगे, आप देख सकते हो H1, इसको एक काउंट करेंगे, ये दो हो गया, 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो दिस वे द सैंपल पॉइंट विल बी, एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ एस विल बी 12. तो हमारा एन ऑफ एस क्या हो गया, 12 हो गया। देखिएगा ए एन ऑफ एस है, सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12. अब हम लोग सब क्वेश्चन टू देखते हैं। सब क्वेश्चन टू क्या है, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। हमें टू डिजिट नंबर इससे बनाने हैं, तो इसका तरीका देखिएगा, मैं क्या करूँगा 2, 3 और 5 को लिख दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे देखिएगा, एस सैम्पल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते ही हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हो जाएगा 23 हो जाएगा, 2, 3 फिर 2, 5 25। हमने ये नंबर जो 2 था डिजिट, हम लोग ने डिजिट 2 ले लिया। अब हम 3 को देखते हैं, तो क्या लिखेंगे 3, 2 मतलब 32। उसी तरीके से 3, 5 लिखेंगे, 3, 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, हमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो जैसे ही हमने 3, 2 लिया तो 3, 3 ना लेकर के 3, 5 लेंगे, 3, 5 ले लिया, ओके। तो हमने 3 का काम तमाम कर दिया। अब 5 देखते हैं, तो 5, 2 हो जाएगा है ना 52, उसके बाद 5, 3 हो जाएगा 53। फिर 5, 5 तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो डिजिट रिपीट होगा, तो जो रिपीट होता है वो डिजिट को नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो एन ऑफ एस कितने हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। सो एन ऑफ एस हम लोग लिख देंगे 6, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। देख सकते हैं कितना आसान था ये क्वेश्चन नंबर वन, और इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर दो सब क्वेश्चन थे। पहला हमने किया जब एक कॉइन और एक डाई को हम लोग थ्रो करेंगे साथ में तो क्या उसके सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस हो सकते हैं। जब दो डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना था
कौन से डिजिट थे 235 इसका यूज़ करके, लेकिन ये डिजिट को रिपीट नहीं होने देना था, तो टोटल ऐसे 6 नंबर्स फॉर्म हुए, 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हुए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक डिस्क है और इस डिस्क में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं और उस कंपार्टमेंट में अलग अलग कलर हैं, जैसे यहाँ पर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। अगर देखा जाए तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है। अब इस डिस्क को ना रोटेट किया जाता है, इस डिस्क को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब पूछा ये है कि आखिर उसके सैम्पल स्पेस या सैम्पल पॉइंट क्या होंगे जब ये एरो, ये जो एरो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये एरो किसी एक कलर पर जा करके क्या होता है, स्टॉप होता है। तो सिंपल सी बात, हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो S इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड से स्टार्ट करता हूँ, रेड हो गया, उसी तरीके से ऑरेंज, फिर येलो, येलो हो गया, फिर आएंगे देखेंगे तो ब्लू कलर है, ग्रीन, ग्रीन, और फाइनल जो है पर्पल, पर्पल कलर। तो देखिए टोटल जो है 6 पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे एरो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है जब हम लोग डिस्क को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो एन ऑफ एस यहाँ पे क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस, मतलब सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो गए, 6 हो गए। तो बच्चे इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सब क्वेश्चन और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डे इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 वाला डेज फाइंड आउट करना। आप देख सकते हो कैलेंडर है 2019 का मार्च मंथ का, तो हमें वो डेट कंसिडर करना है जो 5 या 5 का मल्टीपल हो। अब देखिए 5 तो यहाँ पे आ रहा है, डे कौन सा आ रहा है, ट्यूजडे। उसी तरीके से 5 का मल्टीपल 5 2 10, 10 क्या आ रहा है, ये संडे है। 5 3 15, ये क्या है, फ्राइडे। 5 4 20, ये क्या है, वेनसडे। और 5 5 25, तो आ गया मंडे। फिर 5 6 30, फिर है सैटरडे। तो हमें यही डेज लिखने हैं जो 5 या 5 का मल्टीपल हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो S इज इक्वल टू S, तो 5 यहाँ पे है तो मैं लिख सकता हूँ ट्यूजडे, ओके। फिर है 10, 5 2 10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संडे। फिर 15 फ्राइडे, उसके बाद 20 वेडनेसडे, फिर 25 25, आप देख सकते हो मंडे है, मंडे। फिर 30 क्या है, सैटरडे, ओके। अब कुछ नहीं है। तो बच्चे टोटल डेज कितने आ रहे हैं अगर देखा जाए, तो ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, सैटरडे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरा एन ऑफ एस इज इक्वल टू हो गया 6, जी 6 है। तो मैंने सैम्पल पॉइंट लिख दिया, सैम्पल स्पेस हो गया मेरा और सैम्पल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाई जाती है जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां ये इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ये चारों को मिला करके 2-2 की कमिटी बनाते हैं। अब देखिए अब कैसे इसको लिखना है या तरीका क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे है B1, एक है B2, फिर G1 G2, मतलब बॉयज़ को क्या किया है उन्होंने, 2 लड़कों को B1 और B2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो 2 लड़कियां हैं उनको G1 और G2 से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए ना कमिटी कैसे बन सकती है। मैं सबसे पहले ना सैम्पल्स पे ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर,
सब क्वेश्चन चार हैं। तो सैम्पल स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि B1, B2, G1 और G2। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, मैं करली ब्रैकेट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं फोर्थ वाला अटेम्प्ट करता हूँ ताकि फिर मैं बाकी फिर लिख सकूँ। तो B1 फर्स्ट लड़का, फिर ये सेकेंड लड़का, तो B1 B2, B1 B2, फिर क्या होगा, B1 G1, B1 G1, फिर कमिटी ऐसे भी तो बन सकती है, B1 G2। तो मैंने क्या किया, पहले वाले लड़के को ये लिया, तो ये B1 हट गया अभी, देखते हैं B2 को लेकर के। तो ये हो जाएगा B2 G1, फिर हो जाएगा B2 G2, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब लास्ट क्या बन गया, दोनों लड़की भी हो सकती है कमिटी में, तो G1 G2, मैं करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से सैम्पल स्पेस हो गया मेरा, मैं N ऑफ S लिख सकता हूँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, N ऑफ S इज इक्वल टू 6। बच्चों जैसे ही मुझे सैम्पल स्पेस आ गया, बाकी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। देखिए ना, पहला क्या है, कमिटी विथ टू बॉयज, कमिटी विथ टू बॉयज, यहाँ पे देखते हैं दो लड़के होने चाहिए, तो कौन से दो लड़के देख लीजिए आप यहाँ पे सैम्पल स्पेस में से, B1 B2, B स्टैंड फॉर बॉय, लेकिन मैं B1 G1 नहीं ले सकता क्योंकि G आया, यहाँ पे भी G आया, ये भी G, बाकी सब में G है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा B1 B2, ओके। कमिटी विथ टू गर्ल्स, दो लड़कियाँ, यस, G1 G2, जैसे हमने सैम्पल स्पेस लिखा, सारी चीज़ें लिखनी आसान हो गई है। अब यहाँ पे क्या बोला, कमिटी विथ वन बॉय एंड वन गर्ल, तो वन बॉय वन गर्ल, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन बॉय एंड वन गर्ल, तो B1 G1 हो जाएगा मेरा, B1 G1, फिर हो जाएगा B1 G2, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ B2 G1, फिर लिख सकता हूँ B2 G2। तो बच्चे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉय, मतलब एक लड़का और एक लड़की कमिटी कैसे बनेंगे, या तो पहला लड़का और पहली लड़की हो जाए, या तो पहला लड़का और दूसरी लड़की, दूसरा लड़का पहली लड़की, या तो दूसरा लड़का दूसरी लड़की। इस तरीके से जो है बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में 4 के सब क्वेश्चन टोटल 4 है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ, तब तक के लिए बाय।